चमन चितवन के अजीब किस्से भाग दो, मस्सा का एपिसोड 3। ये कॉलोनी एक बेतरतीब सी कॉलोनी थी। बस कुछ ही मकान चमन चितवन के मुताबिक परफेक्ट बने हुए थे, जिनमें से एक में चमन चितवन जी रहने आए थे। यहीं से हमारे चमन चितवन जी की जिंदगी में एक बदलाव आता है और कहानी आगे बढ़ती है। पहले ही दिन इन्होंने कॉलोनी का सर्वे किया और बहुत दुखी हुए। रात को नींद ना आई, किंतु कोई और रास्ता ना था, अतः यहीं रहना था। सोचते रहे, भला ये भी कोई जगह है? किसी के घर का गेट सिमेट्री में नहीं है, और किसी की खिड़की, किसी का बाउंड्री वॉल का रंग उतरा हुआ है, तो किसी ने गेट पर छोटे बड़े गमले बेतरतीब रखे हुए। चमन भाई ने बस कुछ ही दिन रहना है ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। मगर तसल्ली से क्या होता है, उनकी तो नींद ही हराम हो चुकी थी। सोते ही नहीं थे, बस सोचते रहते थे। इस आपत से निजात पाने की जुगत में लगे रहते थे। फिर कॉलोनी में अचानक चमत्कार होने लगे। शर्मा जी के लोहे के मेन गेट के दोनों ओर जो दो सूरज बने हुए थे, उनमें से एक का रंग बहुत दिनों से उतर कर हल्का हो गया था। सुबह शर्मा जी हैरान हुए जब देखा कि दोनों पर किसी ने खूबसूरत रंग कर दिया है। फिर अगली सुबह नुक्कड़ वाले गौतम जी के गेट के पास खड़े हुए गमले किसी ने ठीक से रख दिए हैं। एक छोटा सा बड़ा क्रम लगाकर चमत्कार हो रहे थे। सभी खुश भी थे, किंतु एक दिन ये अचानक से मिली खुशी छूमंतर हो गई। हुआ यूं कि पार्क के पास वाले पांडे जी जब सुबह उठे तो देखा कि उनकी नई स्विफ्ट कार में दाईं ओर के रियर डोर पर एक डेंट है। डेंट बहुत छोटा सा था, किंतु पांडे जी की चिंता का कारण डेंट का दाईं ओर भी होना था, क्योंकि रात में जब देखा तो डेंट बाईं ओर था। डेंट बाएं से दाएं कैसे आ गया? उत्सुकता में उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो पाया कि डेंट तो वहां भी है। नई कार में दो डेंट देखकर उन्होंने हल्ला मचाया और गालियां बकी। पर अगले दिन से चमत्कार होने रुक गए। आखिर गालियां किसी गैरतमंद इंसान को अच्छी नहीं लगती ना। एक बार कॉलोनी की सब्जी मार्केट में चमन चितवन जी खीरे ले रहे थे। तीन सब्जी वालों के आदर्श सूचक शब्द सुनने के बाद वे चौथे के पास खड़े हुए, हाथ में पकड़े हुए खीरे के समान आकार और रंगत वाले खीरे ढूंढ रहे थे। पूरे ढेर से सिर्फ चार खीरे ही लिए तो सब्जी वाला चिल्लाया, मगर इन्हें कोई फिक्र न थी। पैसे देकर वे गर्व से आगे बढ़ गए, चेहरे पर सफलता की मुस्कुराहट लिए। उनकी मुस्कुराहट उस क्षण और भी बढ़ गई जब उनकी नजरें सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी। अपना चश्मा साफ किया, विश्वास नहीं हुआ। माथे के बीच से सीधी रेखा खींची, दाएं हिस्से को बाएं से मिलाया, ओके परफेक्ट, आहा, बहुत इंतजार के बाद कोई मिल अपने जोड़ का। चमन के दिल के चमन में फूल खिलने लगे। ये महिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी और नाम था मधु मलिका। मधु जी स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा सी लगती थी। कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा, शरीर दरमियाना था। जब चलती थी तो एक खास किस्म की अदा के साथ, कदमों के साथ बाहें भी हिलती थी, कानों की बालियां और हाथों की चूड़ियां भी। सभी में एक लय थी, एक तालमेल था। ये वही तालमेल था जिसकी बरसों से अपने चमन चितवन जी को तलाश थी। चमन चितवन जी खोजबीन की तो पाया कि वे अभी तक अविवाहित हैं। दिल में गिटार बज उठी, सपने सजने लगे। उनसे कैसे मिले, बस यही देखना था। फिर एक दिन उनकी नजरें मिली, दोनों के दिल धड़के एक तरंग से उठी और दूसरे के दिल जा टकराई। दिल ने दिल की बात समझी। उस दिन मधु मल्लिका सूट सलवार में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गले को ढकती हुई चुन्नी पीठ पर लटकती हुई थी। चुन्नी के दोनों सिरे एक ही लंबाई के थे, कोई लंबा या छोटा नहीं। चमन जी ने समानता देखी तो दिल बाग बाग हो गया। फिर जब उनके मुख पर नजर पड़ी कि कानों के पीछे से होते हुए दो लटें जो समान लंबाई की थी लटक रही हैं, सब कुछ मैच कर रहा था। जैसे आसमानी रंग की बिंदी माथे पर दमक रही थी, वैसे ही चूड़ियां, चुनरी और चप्पलें थी। मधु मल्लिका जी ने जब चमन जी को देखा तो वो भी देखती रह गई। इन्होंने भी सर से पांव तक देखा, एक रेखा खींची, दाएं हिस्से से बायां हिस्सा मिलाया, ओके परफेक्ट, आहा, आखिर मिल ही गए। परिचय हुआ, दोनों 40 से सीधे 18 के हो गए हों जैसे। मधु एक किशोरी की तरह शर्माती और चमन किशोर की तरह मधु को इंप्रेस करने में लगा रहता। दोनों में गिफ्ट्स का लेन देन शुरू हो गया। वे छिप छिप कर पार्कों में मिलते, फिल्में देखते, बिना मिले दोनों को चैन नहीं पड़ता था। मधु मल्लिका जब साड़ी में आती तो ऐसी लगती जैसे किसी मूर्तिकार ने उसे बनाकर साड़ी पहना दी हो। पल्लू गले को ढकते हुए पीछे पीठ की गिरता तो एक भी प्लेट ना बिगड़ती थी। धीमे चले या तेज, मजाल है जो एक भी प्लेट की तह खराब हो जाए। यही मोहतरमा जब जींस टॉप पहनती तो ऐसा लगता कि जींस की कंपनी ने खास मलिका के लिए जींस टॉप डिजाइन किया है। चमन को मधुबाला और मलिका एक साथ मिल गई थी।